हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे और लास्ट में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा था और मैंने बताया था कि जब भी आप क्या करोगे, किसी भी कंडक्टर को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं और उनका वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है और कुछ टाइम के बाद सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो मैंने ये बताया था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। मैंने ये बताया था आप लोगों की एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। देखो यहाँ दोनों सिंबल, यहाँ ईएमएफ ऑफ द बैटरी जो है उसको भी हमने वी कंसीडर किया है, तो आप ईएमएफ ऑफ द बैटरी है उसको स्मॉल वी कंसीडर कर लेना, ठीक है, और सॉरी कैपिटल वी, इसको कैपिटल वी कंसीडर कर लेना और इसको स्मॉल वी कंसीडर कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों जगह। तो ये क्या है कि मैंने ये बताया था कि वेलोसिटी जो है वो क्या है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है और फिर कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब स्टेडी स्टेट आ जाता है उसके बाद क्या होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो एक्सपोनेंशियली क्या होता है, इंक्रीज होता है। शायद कल मैंने मिस्टेक से इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ में रिलेशन जो लिखा था वो गलत लिख दिया था, तो उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी डिवाइडेड बाई क्या होगा, लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ एक क्या है, कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। उसी तरह क्या होगा कि जब आपने एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट किया है और सडनली आप जब बैटरी रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स क्या होगा, जीरो। तो वैसे भी क्या होगा, यहाँ मैंने लिखा है कि क्या होगा कि व्हेन द बैटरी इज डिसकनेक्टेड देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद क्या होगा, टाइम। और आप वेलोसिटी ड्रिफ्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ वेलोसिटी क्या लिखेंगे, देन वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। तो ये क्या है, ये दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी किसी टाइम t दिया, किसी टाइम क्या है, v है, तो v इक्वल टू vd इनटू e के पावर माइनस t अपॉन tau। tau क्या होता है, कोलिजन मीन टाइम होता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, तो पहले हम लिख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यदि मैं लिखूँ तो vd इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, VD इक्वल टू E tau अपॉन क्या लिखेंगे, M E, और इसको और भी लिख सकते हैं EMF, क्या लिख सकते हैं, E tau अपॉन M, है ना, EMF ऑफ द बैटरी इंटू क्या होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, EMF ऑफ द बैटरी अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से आप बता सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। तो पहला तो ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हम बोल सकते हैं यहाँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पहला जो होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर डिपेंड ऑन क्या है, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। और यूं बोल सकते हैं क्या कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर डिपेंड ऑन, पहला क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, that is हम लिख सकते हैं that is VD
इज डायरेक्टली पर्सनल टू क्या होगा ई फॉर फॉर गिवन मटेरियल एंड एट गिवन टेम्परेचर एंड गिवन टेम्परेचर ठीक है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा वो क्या होगा इंक्रीज होगा ठीक है एंड वाइस वर्सा। दूसरा जो पॉइंट है कि क्या होगा डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कंडक्टिंग कंडक्टिंग मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर क्या होगा फॉर आई मीन डिफरेंट डिफरेंट मेटल के लिए आई मीन डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा अलग अलग होगा और डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे भी क्या होगा अलग अलग। जैसे लिखे हैं फॉर गिवन गिवन मटेरियल एज वेल एज गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा डिक्रीजेस एज कब जब टी क्या होगा टी इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा डिक्रीज होगा। क्यों क्योंकि यहाँ ऐसे भी हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं देखो क्या है कैसे हम बोल सकते हैं कि वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाउ कोलिजन मीन टाइम। और आप जानते हैं कि एज टी इंक्रीजेस कोलिजन मीन टाइम क्या होता है डिक्रीजेस एंड हेंस वी डी जो होगा वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो एक पूछा जाएगा ठीक है कि जब भी क्या होगा कि आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट कर दो एंड कंडक्टर का मटेरियल कंसीडर कर लो सेम तो क्या होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा कोलिजन मीन टाइम पे क्या होगा डिपेंड करेगा और कोलिजन मीन टाइम जो होता है वो टेम्परेचर से पे क्या होता है डिपेंड करता है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन मीन टाइम का जो वैल्यू होगा वो डिक्रीज होता है और कोलिजन मीन टाइम जब डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक क्वेश्चन भी है देखो कि यहां एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एक्सटर्नल पावर supply is connected across the end of the conductor an external power supply of emf ऐसे लिख देंगे है ना या an external power supply of emf V is connected across the ends of the conductor ठीक है। Now क्या है एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई ऑफ ईएमएफ भी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। नाउ ऑन व्हाट इज द क्या होगा ए लिखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor on ये में दिया है on doubling
doubling the value of V. I mean EMF को हम जब double कर देंगे तो drift velocities पे क्या effect होगा? दूसरा जो दिया हुआ है on doubling the length of conductor, ठीक है, और C जो दिया हुआ है on doubling the diameter of the conductor. अब देखो ये बहुत सिंपल है, आप सोच सकते हो, आप खुद से भी सोच सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, सबसे पहले जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो रिजल्ट आपके क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो रिजल्ट है वो, मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट है वो क्या है, रिलेशन क्या है. तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो, मैं एक क्वेश्चन ज़्यादा इससे क्लियर हो जाएगा कि यही क्या है, एक कंडक्टर है और इसको हमने क्या किया, एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, और बैटरी का ईएमएफ जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है. तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपको ही मालूम है कि इधर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, ड्रिफ्ट होंगे. इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है. आई मीन किस वेलोसिटी से, वीडी से, ठीक है. तो ये पूछा गया है आपसे कि यदि ईएमएफ फॉर्म डबल कर दें, इसके लेंथ, इसका लेंथ हमने एल मान लिया है ना, तो यदि इसकी लेंथ को हम डबल कर दें, इसका डायमीटर हमने क्या मान लिया, डायमीटर जो हमने माना है वो डी मान लिया है, ठीक है, डायमीटर जो हमने कंसीडर किया है डी. तो यदि हम डबलिंग द वैल्यू ऑफ ईएमएफ, उससे क्या होगा, डबलिंग द लेंथ ऑफ, आई मीन लेंथ को डबल कर दें तो क्या होगा, डायमीटर को डबल कर देंगे तो क्या होगा. तो सबसे पहले जो रिजल्ट है देखो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिजल्ट जो होता है क्या होता है, ई टाउ अपॉन क्या है, एम इनटू क्या होगा ये. अब देखो टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, तो हम टेम्परेचर को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे. जिसके बारे में नहीं बताया गया, बोला गया है कुछ, उसको हम क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेंगे. तो जैसे ही क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. देन वी कैन से दैट द वीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, और हम ये भी जानते हैं कि VD जो होगा वो क्या, E जो होगा वो क्या होता है, V अपॉन क्या होता है, L होता है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि drift velocity will be directly proportional to क्या होगा, V, and inversely proportional to क्या होगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, L. और इवन हम बोल सकते हैं कि directly proportional to क्या होगा, area की power 0, I mean area से क्या होगा, independent हो जाएगा. तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि D से क्या होगा, independent हो जाएगा. तो यहाँ ये दिया हुआ है कि एज वी इंक्रीज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हो कि जब हम क्या करेंगे, ईएमएफ ऑफ द बैटरी आई मीन वी को हम क्या करेंगे, इंक्रीज कराएंगे, तो डी जो होगा क्या हो जाएगा, वी डी जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, वी डी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्या होगा, वी डी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. उसके बाद जब हम लेंथ को बढ़ाएंगे क्या होगा, लेंथ इंक्रीजेस, ठीक है, तो वी डी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. और एरिया से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ क्या होगा, एरिया, आई मीन एरिया ऑफ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. इन दिस केस, इस केस में क्या है, क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है उससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा. आगे हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आगे भी क्या होगा, ये डिपेंड करेगा नहीं, आगे अलग हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि व्हेन एवर कंडक्टर क्या होगा, व्हेन एवर कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ एक्सटर्नल पावर सप्लाई, देन इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओनली डिपेंड ऑन ईएमएफ द बैटरी एज वेल एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड इट इज इंडिपेंडेंट विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. तो यहां आप देखो क्या होगा, ऑन डबलिंग क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, कंडक्टर को हम क्या, कंडक्टर के आई मीन ईएमएफ को हम डबल कर देंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं, पहले तो यहां लिख दें नोट में क्या होगा, कि व्हेन, यहां लिख देता हूं, व्हेन
when a conductor is connected with external power supply, then its drift velocity only depend on length, only depend on ये में क्या होगा length of conductor, B में क्या होगा EMF of the battery, और क्या होगा and बस दो ही चीज पे क्या होगा डिपेंड करेगा, I mean VD, जो VD does not depend on the diameter of conductor. तो यहां से आप लिख सकते हो कि EMF को हम डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. यदि लेंथ को 2 times कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. लेकिन इफ वी चेंज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, आई मीन डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन भी होता है. हमेशा याद रखना है कि यदि टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है तो हम टेम्परेचर को क्या कंसीडर करेंगे, कॉन्स्टेंट कंसीडर करेंगे. अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ड्रिप वेलोसिटी. देखो ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड मेटल इज नियरली इक्वल टू 10^-4 मीटर पर सेकेंड, वाई थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नियरली इक्वल टू 10^5 मीटर या 5 या 6, हाँ 5 मीटर पर सेकेंड नियरली. ठीक है, ये डिफरेंस होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसमें थर्मल स्पीड में. मैंने ये आपको कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है मेटल में कितना होता है, तो आपको याद रखना है 10^-4 मीटर पर सेकेंड, वाइल क्या होगा थर्मल स्पीड जो होता है वो क्या है 10^5 मीटर पर सेकेंड होता है. तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और थर्मल वेलोसिटी में डिफरेंस कितना होता है. तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना कम है तो जैसे ही हम क्या करते हैं लाइट को ऑन करते हैं, आई मीन स्विच ऑन करते हैं, तो लाइट सडनली क्यों जलने लगता है, आई मीन ऑन क्यों हो जाता है. जैसे ही फैन का यदि हम स्विच ऑन करें तो फैन चलने लगता है, ऑफ कर दे तो बंद हो जाता है. तो सडनली क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पीड जो है क्या है 10^-4 मीटर पर सेकेंड है. तो स्विच से फैन के पास इलेक्ट्रॉन को जाने में कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन ये जो होता है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है. जैसे ही हमने क्या किया स्विच ऑन किया लाइट ऑन हो गया, जैसे ही ऑफ किया लाइट बंद हो गया. ऐसा क्यों होता है, तो आप लोग सोचना और इसका आंसर मुझे बताना कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है. इसके बाद अब अगला जो रिजल्ट आएगा वो क्या है कि रिलेशन अमोंग रिलेशन या बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, ये पहले भी मैंने बताया है लेकिन फिर से मैं बता देता हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा. देखो क्या होगा,
यही कंडक्टर है। अभी हम क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, आई मीन इसका ईएमएफ क्या है, भी दिया हुआ है। तो जब बैटरी से आप कनेक्ट करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होने लगेगा। क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा। डायरेक्शन अब क्या होगा, ठीक है। अब हम मान लें कि इसके अंदर जो है n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बताया था उस दिन कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया है तो करंट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ठीक है उसके बाद हम वीडी मान लेते हैं क्या, ड्रिप वेलोसिटी, ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम क्या मान लें, ए मान लें, हमने मान लिया ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, है ना। जी का भी डायरेक्शन क्या होगा, इधर ही होगा, बाद में हम देखेंगे। तो आपसे सबसे पहले क्या है कि यदि हम डी क्यू लिख दें, आई मीन चार्ज, जो देखो तो टी टाइम में चार्ज कितने मूव करेंगे, आई मीन कितने क्रॉस करेंगे, ऐसे समझ सकते हो। तो टी टाइम में जो चार्ज क्रॉस करेंगे वो कितने होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लें। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तो हम पहले लिख सकते हैं, देखो यदि चार्ज लिख लें कि नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, टोटल चार्ज फ्लोइंग इन क्या होगा, टी सेकेंड, सिंपल। तो इसको हम क्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्यू। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो एन इंटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। और हम लिख सकते हैं एन इंटू, देखो तो लेंथ कितना होगा, वी डी इंटू टी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू टी, ठीक है, वी डी इंटू टी इंटू ए और इंटू ई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। तो यहां से ये मालूम चल गया कि Q इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी ए इंटू क्या हो गया, टी हो गया। अब करंट कितना होता है, तो चार्ज अपॉन, हम लिख सकते हैं, आई मीन आई इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन टी, यहां से लिख सकते हैं एन ई वी डी। तो यहां मालूम चल गया आई इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी। ये ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, ठीक है, कि यहां से देखो कि करंट जो होगा, अब आप यहां से आप बता सकते हो, देखो कि फॉर गिवन इन केस ऑफ स्टेडी स्टेट क्या होगा, कि करंट जो होता है वो क्या चीज से इंडिपेंडेंट होता है, आई मीन करंट जो होगा वो क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ड्रिप वेलोसिटी विल बी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ड्रिप वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्या होगा, क्रॉस सेक्शन, आई मीन ग्रेटर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ही हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहीं पढ़ा था, स्ट्रीम लाइन फ्लो पढ़ा था, तो वहां भी हमने क्या पढ़ा था, कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, आई मीन प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ भी आप कंडक्टर के लिए भी क्या होगा, कि प्रोडक्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी ऑलवेज क्या होगा, कॉन्स्टेंट। अब यहाँ से देखो तो ही इसके बाद हम यहां से भी लिख सकते हैं कि ड्रिप वेलोसिटी जो, तो हम ये बोल सकते हैं कि क्या होगा, कि यहां से हेंस क्या होगा, हेंस द प्रोडक्ट ऑफ ड्रिप वेलोसिटी एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर विल ऑलवेज रिमेन क्या होगा, कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वी डी इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट। याद आया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ऑब्वियसली याद आया होगा, क्यों, क्योंकि आई क्या होता है, आई फॉर
I क्या होता है, I क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होता है, I जो क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है, तो VD इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि एज एरिया, एज क्या होगा, एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि VD इंक्रीजेस, ठीक है, नहीं ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, VD क्या होगा डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस, ठीक है, VD इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि क्रॉस एरिया आई जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई मीन करंट फ्लोइंग आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई क्या होगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आई मीन जहां क्या होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा, एंड वाइस वर्सा, आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ ऐसे आएगा, अभी ये मत समझना कि इन्फिनिटी होता है क्या, नहीं इन्फिनिटी नहीं होगा, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक और पॉइंट है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो यहाँ लिख सकते हैं करंट डेंसिटी, आई मीन रिलेशन, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां भी आप देखोगे कि देखो आई जे इक्वल टू क्या होता है, आई अपॉन क्या होता है, ए, तो देखो आई अपॉन आई मीन क्या होगा, एन ई वी डी। अब क्या होगा, जे इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी, आई मीन एन ई वी डी, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है क्या है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि देखो VD इक्वल टू क्या होता है, मैंने ये बताया था कि अब इसको हम यदि इक्वेशन वन मान लें, दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि नाउ क्या लिख सकते हैं, VD इज इक्वल टू क्या होगा, ई टाउ अपॉन एम इंटू होता है, आप लोगों को भी मालूम है। अब हम यहां से लिख सकते हैं कि इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, एंड सेकंड क्या हो जाएगा, जी इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, एम ई स्क्वायर, देखो एम ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू क्या हो जाएगा, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि J वेक्टर इक्वल, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, यही क्या है, फर्स्ट लॉ, ओम्स लॉ है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, फर्स्ट लॉ नहीं, ओम्स, इसी को बोलते हैं J इक्वल टू सिग्मा इनटू क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, और दिस इज नथिंग बट कंडक्टिविटी। इसको हम क्या अच्छे से, सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू, देखो कितना अच्छा रिजल्ट मिला है ना, तो देखो क्या है कि जब आप, अब कंडक्टिविटी भी क्या है, कंडक्टिविटी जो है किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करती है, यहां से आप बता सकते हैं, है ना, तो यहां सिग्मा इक्वल टू, आई मीन कंडक्टिविटी, सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या हो गया, दिस इज कंडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
conductivity of conductor, I mean conductivity of conductor, this is collision mean time. और दिस इज आपको ही मालूम है कि नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट जो होता है यूनिट वन, याद रखना है। अब एक चीज याद ध्यान देना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाता है। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, आई मीन मेटल के लिए जो होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर से। वही मेटल नॉन मेटल सेमी कंडक्टर होगा तो ऐसा नहीं होगा, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ आप ध्यान देना है आपको कि यही मैं बता देता हूँ, फिर आते हैं यहाँ कि क्या होगा कि हाँ एन ई स्क्वायर टाव अपॉन क्या होगा एम। तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है कि एन इज क्या होगा, इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर फॉर मेटल, ये ध्यान देना है। तो हम बोल सकते हैं कि इस कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाउ। क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं कि फॉर मेटल या और क्या बोलेंगे, कंडक्टर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाउ एज टाउ। और यहाँ ये भी बोल सकते हैं, मैंने बताया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। आपको शायद ये समझना चाहिए, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर या मेटल डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ से देख रहे हो ना कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, कोलिजन मीन टाइम पे, और कोलिजन मीन टाइम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एज टेम्परेचर increases collision mean time decreases and hence conductivity of electron inside the, I mean conductivity of conductor या metal decreases। तो हम बोल सकते हैं कि as क्या होगा, t increases tau decreases and sigma also क्या होगा, decreases एंड वाइस वर्सा, ये याद रखना ठीक है। अब यही मैं बताता हूँ कि रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, फिर हम आते हैं। देखो यहाँ कंडक्टिविटी का तुम डायमेंशन भी लिख सकते हो, ये आगे भी मैं बता दूंगा या आप खुद से भी लिख लेना। रेसिस्टिविटी क्या होगा यही मैं बता देता हूँ, रेसिस्टिविटी आगे इसको रो से, अब देखो क्या है, सिंपल हम बोल सकते हैं, यहाँ एक पॉइंट और लिख लेना। तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा, रेजिस्टिविटी जो है वो क्या, कंडक्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एज वेल एज क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डिपेंड ऑन क्या होगा, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, टेम्परेचर, बी में लिखेंगे क्या होगा, बी में क्या होगा, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, कंडक्टिविटी जो होगा क्या चीज पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद यहां एक टर्म आता है रेसिस्टिविटी, क्योंकि दोनों को रिलेटेड है इसलिए मैं बता देता हूं। रेसिस्टिविटी का अलग भी डेफिनेशन होता है, लेकिन जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। क्या होगा, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो हम बोल सकते हैं दैट इज, क्या बोल सकते हैं, दैट इज
आई मीन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इसको रो पढ़ते हैं आर एच ओ और इसको हम क्या पढ़ते हैं सिग्मा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, क्या है ये ध्यान देना है। तो यहां बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रो इनटू सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट। किसी भी मटेरियल के लिए प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जो होगा ऑलवेज क्या होगा सेम होगा, क्या होगा ऑलवेज सेम होगा। जस्ट अभी यहां भी आप बता सकते हो यूनिट, हम बाद में इसको लिखेंगे यूनिट, अभी यहां नहीं लिखेंगे, जब रेजिस्टेंस में पढ़ाऊंगा तो वहां यूनिट भी आपको बता दूंगा, और वहां ये चीज नहीं बताऊंगा कि फैक्टर क्या क्या चीज है इस पे डिपेंड करता है, केवल आपको ध्यान रखना। यहां भी देखो ध्यान से, तो हम बोल सकते हैं कि क्या होगा कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी आई मीन रो ऑफ मटेरियल वनली क्या होगा वनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर एज वेल एज नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर मेटल क्या होगा, फॉर मेटल क्या होगा, फॉर मेटल और कंडक्टर याद रखना है, फॉर तो हम यहां से लिख सकते हैं, देखो आई मीन रेजिस्टिविटी आई मीन रो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं रो इक्वल टू, देखो तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, तो हम ये जनरल रिजल्ट लिखे हम लोगों ने मेटल के लिए आई मीन कंडक्टर के लिए, तो फॉर हम लिख सकते हैं फॉर क्या होगा, फॉर मेटल एन इज अगेन क्या होगा इंडिपेंडेंट विथ टेम्परेचर, हेंस क्या होगा रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टाउ। अब ये ऐसे हुआ तो हम यहां से बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ, सही है ना, तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा टेंपरेचर। तो यहां से देख सकते हो कि क्या होगा, जब आप क्या करोगे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर का या मेटल का क्या होगा बढ़ेगा। अब एक कैसे बढ़ता है लिनियरली नॉन लिनियरली उसको हम बाद में देखेंगे, अभी उसके बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि क्या होगा कि जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है तो करंट जो होता है वो क्या होता है, क्या चीज़ पे डिपेंड करता है, करंट डिपेंड ऑन क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, करंट इज इंडिपेंडेंट विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ड्रिप वेलोसिटी प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिप वेलोसिटी विल बी क्या होगा ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एसटीडी करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ non-uniform cross-sectional area. Then, which of the following? Then, which of the following remain constant? Which of the following is R, ऐसे लिख लो R remain
आपको ये बताना है, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रेडियल। अब ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, जी क्या आया हुआ क्वेश्चन, पहला तो ये दिया हुआ है करंट, ठीक है, बी दिया हुआ है करंट डेंसिटी, सी जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद ई जो डी ई दिया हुआ है रेसिस्टिविटी, एफ दिया हुआ है कंडक्टिविटी, और जी दिया हुआ है मोबिलिटी। शायद सब इसमें जितने भी पॉइंट हमने पढ़ा था सभी पॉइंट एक ही जगह आ गया। ये कुछ पॉइंट जो है इसमें देखो, ये फोर ऑप्शन दिए, जेई में फोर ऑप्शन दिया था, करंट, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये मैंने अपने से कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। अब देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म क्या दिया हुआ है, स्टेडी करंट इज फ्लोइंग, तो स्टेडी करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिमेन कॉन्स्टेंट। रिमेन कॉन्स्टेंट का मतलब क्या हुआ, थ्रू आउट द कंडक्टर, इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ आप लिख भी सकते हो रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द कंडक्टर, ठीक है। अब देखो क्या है, यही क्या है, ये हमने एक कंडक्टर मान लिया, देखो यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम नहीं है, है ना, यहाँ ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही से क्या है करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। और करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई हो रहा है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई मीन कंडक्टर, कंडक्टर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैंने ये बताया था कि पढ़ाने वक्त क्या है कि सिंस चार्ज इज कंजर्व, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है कि क्या होगा, करंट, करंट आई जो होगा वो क्या होगा, आई मीन करंट क्यों, क्योंकि करंट जो होता है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, तो यदि कंडक्टर, देखो यहाँ जितने यूनिट पर सेकंड में, एक सेकंड में जितना यहाँ चार्ज इंटर कर रहा है उतने ही चार्ज यहाँ से क्या होना चाहिए, निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, चार्ज कहीं पाइलअप नहीं होगा, ठीक है। तो अदरवाइज क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो एज फार एज आई मीन एज फार मतलब क्या, एज फार एज नहीं, आई मीन व्हेन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज वैलिड टिल टाइम क्या होगा, करंट थ्रू कंडक्टर विल बी इनडिपेंडेंट विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, आई मीन क्या होगा, इनडिपेंडेंट। अब जब आई इनडिपेंडेंट हो गया तो देखो आई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, यदि हम मान लें अभी I इज इक्वल टू लिखे थे एम ई वी डी, ये लिखा था, तो ये कॉन्स्टेंट हो गया था, हम बोल सकते हैं कि वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ग्रेटर द एरिया। अब आप यदि मैं बोलूं कि यहाँ ए वन क्रॉस सेक्शनल है, ए टू है, यहाँ वी डी वन है और ये क्या है, वी डी टू है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वी डी टू इज ग्रेटर देन क्या है, वी डी वन। VD2 का मतलब क्या हुआ, drift velocity of electron at this cross section, and VD1 का मतलब क्या हुआ, drift velocity of electrons at cross sectional area A, sorry one। तो आप यहां आसानी से बता सकते हो कि drift velocity, ठीक है। अब drift velocity मालूम चल गया, तो अब आपने को क्या क्या चेक करना है, चलो drift velocity हमने चेक, पहला तो
ए था कि क्या है, करंट कांस्टेंट हो गया, तो पहला ऑप्शन जो था कि करंट क्या है, तो वो करेक्ट ऑप्शन है। ड्रिप वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि ड्रिप वेलोसिटी विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं क्या है, करंट डेंसिटी पे। क्या होगा? करंट डेंसिटी। दूसरा जो अगला एग्जांपल था क्या है, जी आई मीन करंट, करंट डेंसिटी। जे इक्वल टू क्या होता है, करंट डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, करंट अपॉन क्या होगा, एरिया, यही होता है। तो यहां भी बोल सकते हैं, ये तो क्या हुआ, दिस इज कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि जे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। आपसे कोई पूछे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां मैं मान लू कि यहां क्या है, जे वन है और ये क्या है, यहाँ जे टू है, तो हम बोल सकते हैं कि अगेन जे टू इज ग्रेटर देन क्या होगा, जे वन। I mean current density at cross-sectional area 1 will be smaller than the current density at cross-sectional area 2. तीसरा जो point था वो क्या है, तीसरा point क्या है, electric field। चलिए electric field देखते हैं। तो there is a relation between electric field and drift velocity। तभी मैंने बताया था कि Vd is equal to क्या होता है, देखो E tau upon क्या होगा M into E, हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मोबिलिटी इनटू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो क्योंकि टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो हम क्या मान लेंगे, इसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, Vd विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एरिया ऑफ प्रोसेस। तो याद रखना है कि जब मैंने कई बार ये टर्म यूज किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तभी हो सकता है जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है क्या, तो नहीं, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्म तभी होगा कंडक्टर के अंदर जब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो ये कंडक्टर हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विल हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट, करंट डेंसिटी uniform current density inside it, velocity, drip velocity of all electrons will be क्या होगा, remain same। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद आप ध्यान से देखना कि मैंने बताया था कि mobility हुआ, conductivity हुआ और resistivity हुआ, वो सभी क्या होंगे, constant होंगे। क्यों? क्योंकि वो nature of material और temperature पे ही क्या होता है, depend करता है। तो ये चीज क्या है, आपको ध्यान देना। तो यहां आप नोट में लिख लेंगे कि, तो यहां लिख सकते हैं कि क्या होगा, इफ इफ ए एसटीडी करंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू थ्रू ए कंडक्टर having conductor of non-uniform cross-sectional area, then current in the conductor remain constant while electric field drift velocity and current density J, all electric field, drift velocity and current density all vary inversely proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ध्यान देना ठीक है। क्या चीज से? क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो जाएगा? इनडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो जाएगा, क्या चीज इंडिपेंडेंट होगा? करंट जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी विल बी इंडिपेंडेंट विद द क्या होगा, एरिया, सॉरी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इंडिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट केवल क्या होगा, करंट होगा। तो आई क्या हो जाएगा, दैट इज यहां मैं लिख देता हूं, आई क्या होगा, कॉन्स्टेंट। जैसे ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके लिख लो आप, ठीक है। तो यहां आई क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट, जे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड वी डी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद क्या है, मोबिलिटी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। रेजिस्टिविटी जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और कंडक्टिविटी जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज क्या है, तो ये रहा, ये इससे क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है। तो जब भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। और ये चीज ध्यान देना, क्या है, करंट है, ठीक है। आगे हम देखेंगे इसका रेजिस्टेंस भी अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ओम्स लॉ, अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।